नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रणधीर कुमार और सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। घोड़ा सहन के बिजवनी में लगी भीषण आग, कपड़ा अनाज सहित घर में रखे सामान जलकर खाक। पूर्वी चंपारण में एक विद्यालय ऐसा भी जहां मिड डे मील में खुद का चलता है कानून। पाक महीना रमजान में पेश किया जा रहा है सांप्रदायिकता का मिसाल, किया जा रहा है दावते इफ्तार। बेतिया में किया गया मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, दर्जनों मरीजों का किया गया इलाज। घोड़ा सहन जीतना थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजबनी बिचला टोला में कल देर रात अचानक भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तेज हवा के कारण आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाने की ग्रामीणों की कोशिश नाकाम साबित हुई। घोड़ा सहन से अग्निशामक गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखे सामान, कपड़ा, बर्तन, अनाज आदि चीजें जलकर खत्म हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति स्थानीय गांव का रामचंद्र राम है, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आग कैसे लगी अभी तक इसकी सही जानकारी नहीं हो सकी है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड अवस्थित एक विद्यालय में छात्रों को मिड डे मील में अंडा के बदले पार्ले जी दिया जाता है। मामला राजकीय मध्य विद्यालय जमुनिया खाद का बताया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल साइट पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के हाथ में पार्ले जी बिस्किट दिखाया जा रहा है। वहीं छात्रों द्वारा अंडा के बदले पार्ले जी बिस्कुट दिए जाने की बात बताई जा रही है। हालांकि नियमतः जो विद्यार्थी शाकाहारी हैं उन्हें अंडे के जगह फल दिया जाना है, लेकिन यहाँ पर सभी को बिस्किट का पैकेट दिया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर इस विद्यालय में बिस्कुट क्यों दिया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। हालांकि इसको लेकर स्थानीय छात्र नेता मधुसूदन सहित शिक्षक व ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ वरीय पदाधिकारियों को लिखित शिकायत भी की गई है। राजकीय मध्य विद्यालय जमुनिया खास में हम लोग निरीक्षण करने गए हुए थे। वहाँ देखे कि पठन पाठन का माहौल नहीं है, छात्रों के पढ़ाई के लिए कोई रूटीन तैयार नहीं है। MDA में भी काफ़ी धांधली करने का छात्र ने आरोप लगाया है। यहाँ पर हमें अभी देखे कि विकास फंड का जो पैसा विद्यालय को 75,000 रुपया दिया गया है, उसका विद्यालय प्रशासन के द्वारा अत्यंत ही गलत ढंग से उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से शिक्षक में और ग्रामीणों में भी काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। और इसको सभी मामले को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन दे करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर के कोतवाली चौक स्थित पांडे ENT एंड न्यूरोलॉजी क्लिनिक में मुफ्त जांच सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कान, नाक, गला तथा मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों की मुफ्त जाँच कर इलाज की गई। जानकारी देते हुए चिकित्सक सह पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पांडे तथा कान, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति कुमारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस शिविर में कई रोगों के दर्जनों मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, यहाँ कान, नाक और गले से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ दूरबीन के द्वारा भी कान की चादर के ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन और गले में श्वास नली एवं बोलने की तंतु का भी को देखने की सुविधा है एवं ऑपरेशन की सुविधा है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के रामपुरवा महनवा वार्ड नंबर 14-15 में भीषण आग लगने की खबर प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक अचानक लगी इस आग में कई घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत लौरिया के बगही देवराज के अदालत हुसैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता बालेश्वर प्रसाद द्वारा किया गया। इस इफ्तार के अवसर पर प्रखंड प्रमुख शंभु तिवारी, चिकित्सा पदाधिकारी अब्दुल गनी, शेख आमिल, अनुज मल, पप्पू सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल पेश किया गया। प्रखंड प्रमुख शंभु तिवारी ने इस तरह के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे भाईचारा बढ़ता है, जो समाज में मजहबी खाई को पाटने में सहायक होगी।
मौके पर अनिल प्रसाद सहित देवराज के लोगों के अलावे क्षेत्र के रोजेदार उपस्थित थे। भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए बेतिया नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी सिकारिया द्वारा शहर के 5 स्थानों पर नगर परिषद के द्वारा निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई। सभापति द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट गेट, 3 लालटेन चौक, नजरबाग पार्क एवं लाल बाजार चौक इत्यादि जगहों पर नागरिकों एवं राहगीरों की सुविधा के लिए नगर परिषद द्वारा निःशुल्क ठंडे पानी का प्याऊ लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कल से इसे बढ़ाकर शहर के 12 स्थानों पर प्याऊ लगवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें और ट्विटर के लिए फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।